चलो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग, ठीक है? ओके चलो। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो स्पीड, कोई बताओ कि स्पीड क्या होता है? जी बताओ। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ ठीक है। तो स्पीड जो होता है ना, वो एक्चुअली होता है रेट, रेट एट विच डिस्टेंस विल बी चेंज। ठीक है, चेंज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्चुअली हम अगर स्पीड को डिफाइन करें ना, स्पीड को, तो ये स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, हो सकता है ना? बोलो। यस सर। हेलो। ठीक यस है, सर, हो तो सकता है। स्पीड क्या हो सकता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है कि टोटल कितना टाइम लिया, ठीक है, जर्नी में। जर्नी स्टार्ट हुआ मान लो यहाँ से, मान लो ए से जर्नी स्टार्ट हुआ बी पे, ठीक है, ए से बी पे आने मान लो डिस्टेंस डी लगा, ठीक है, डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लगेगा ना, वो आ जाएगा स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ से आने में मान लो टाइम लगा, तो स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड वो हो जाएगा डी बाई टी, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसका जो यूनिट होगा ये मीटर पर सेकेंड होगा, है ना? हेलो। यस सर। यस सर, अच्छी, बोलो। बोलो क्या सर, आवाज वगैरह इन्फॉर्मेशन लग नहीं करना ना कर रही था है? आपसे। नो सर, नो हेलो, सर, आज क्लियर है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल ओके। है। हाँ, तो यूनिट जो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा? बोलो। LT-1। LT-1, या ऐसे भी लिख सकते हैं M0 हाँ L जी, वन टी तो एल टी माइनस माइनस वन, ठीक वन है, M0 LT-1 T-1। T-1। जो स्पीड अपना होता है ना, स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है? बोलो। यस सर। हेलो। स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर हम बात करें तो सिर्फ इसका क्या होगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया। अब हमें जो पढ़ना है ना, कि स्पीड में एक होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, कोई बताओगे? एक तरह से अगर हमने ये लिखा है ना, स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम, लेकिन वही एवरेज भी आ जाएगा। एवरेज में देखो, एवरेज में क्या होता है ना, हाँ बोलो। सर, सम ऑफ ऑल स्पीड्स अपॉन में नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस। नहीं, बेटा एवरेज में भी देखो, एवरेज स्पीड में भी ना वही टोटल आएगा। डिस्टेंस एवरेज बाय स्पीड टोटल देखो, टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज में तो जो है ना, वो टोटल टाइम आ जाता है। मान लो कि ए से बी पे आने पे कोई बीच में रुका भी, मान लो कि यहाँ ए से बी पे जाना है किसी को,
जैसे बी से जाने के क्रम में मान लो सी पॉइंट पे वो रुक कर कुछ नाश्ता वगैरह किया मान लो, ठीक है, सी पे रुक के नाश्ता वगैरह किया, तो जो वो रुका वो भी टाइम क्या होगा उसमें काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम के अगेन लिख दो, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। इस डायमेंशन वगैरह सेम होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो मान लो ए से बी डिस्टेंस है, मान लो ए से बी, ठीक है, कोई पार्टिकल मान लो जो ये डी डिस्टेंस है, तो डी बाई टू डिस्टेंस इसने टी वन टाइम लिया आने में, और अगला डी बाई टू डिस्टेंस ये टी टू टाइम लिया आने में, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना लिया बता सकते हो? हाँ जी, टी वन प्लस टी टू लेगा ना, यस बोल सर, तो नहीं रहे आप लोग? यस सर, हेलो, टोटल टाइम डी, डी ना, यस सर, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टी वन डी प्लस टी टू, अपॉन में टोटल टाइम, है ना, बोलो। अच्छा ठीक है, हेलो। यस सर, चलो एक और अगर हम एग्जांपल करें कि मान लो ए से बी, ठीक है, ए से बी आना है, तो मान लो कि ये टी वन टाइम के लिए वी वन स्पीड से चला और अगला टी टू टाइम के लिए वी टू स्पीड से चला, ठीक है, ये क्लियर है? चलो यस सर, सर तो इसमें बता, हाँ अजय बोल, बोले मेरा हेलो दोस्त हेलो, सर, कहना चाह रहा हूँ सर कि आप दोबारा वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सर। क्या हो रहा है? ठीक है, यस सर, बीच में वॉइस लैग हो रही है। हाँ वॉइस तो लैक हो ही रही है, जब आप पूरा बोल जा रहे हो ना क्वेश्चन, तब डायग्राम दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, आवाज नहीं ना लैग हो रही है, सिर्फ ये स्क्रीन लैग हो रही है क्या? बीच बीच सर स्क्रीन तो हो रही है, बस आवाज बीच बीच में लैक हो रही है, लेकिन स्क्रीन ज्यादा लैक हो रही है आपकी। हेलो, यस सर, यस सर, तो ये देखो इसमें मैंने बोला कि ए से बी पे आना है किसी को, ठीक है, तो उसने क्या किया, ए से सी गया वी वन स्पीड से और टाइम लिया टी वन, ठीक है, फिर सी से बी पे गया वी टू स्पीड से और टाइम लिया टी टू, तो हमें बताना है इसमें एवरेज स्पीड, ठीक है। हेलो, यस सर, यस है सर, अभी, ठीक है ना, अभी यस सर, हाँ, यस सर, ओके। तो बताओ आप एवरेज स्पीड बताओ। हाँ जी बताओ, सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सर हाँ, वी तो वन प्लस टोटल वी टू डिस्टेंस अपॉन टी वन प्लस टी टू, वी वन नहीं प्लस बेटा, वी टू अपॉन क्या सर? नहीं, सर आपने वी तो वेलोसिटी दी है ना, गलत है,
सर कहीं ऐसा तो हाँ नहीं हाँ टू वी वी वन वन बैलेंस सी बी थी है, ऐसे सी के बी जाने के। सर तो फिर ये वी वन सब तो फिर ये हो जाएगा अपना v2 - v1 इंटू t2 - t1। नहीं, देखो ये क्या हुआ है कि वी वन से गया है कितने दूर तक, वी वन से गया है एस एस सी तक, ठीक है, तो एस एस सी तक वी वन स्पीड से गया है और टाइम कितना लिया है टी वन, तो उस टाइम में अगर वो वी वन स्पीड से चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वी वन इंटू टी वन, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, बोलो। यस सर, ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड देखो अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाले, यहां से यहां तक डी वन, तो ये डी वन हो जाएगा वी वन इंटू टी वन स्पीड इंटू टाइम, उसी तरह यहां से यहां तक का डी टू निकाले, तो ये डी टू हो जाएगा वी टू इंटू टी टू, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी वन प्लस डी टू ना, यस सर, डी टू टी टू, और टोटल टाइम तो टी वन प्लस टी टू है ना, बोलो। यस सर, यस यस सर, यस सर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वी वन टी वन डी वन प्लस वी प्लस टू टी टी टू टू बाई अपॉन टी वन प्लस टी टू ना, वी वन प्लस वी टू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू सर बट है ना। हम वी वन टी वन की जगह डी वन भी तो लिख सकते हैं नहीं बेटा डी सर, वन पर गिवन हमें जो नहीं गिवन है ना, उसके टर्म्स में गिवन लिखना है पड़ेगा ना, ना, जो हमें गिवन गिवन है, है उसके देखो टर्म्स में गिवन लिखना अपने पड़ेगा। डिफॉल्ट वैल्यूज हाँ, बारे में, अपने पास गिवन क्या है वही लिखोगे ना, गिवन है वी वन टी वन वी टू टी टू, तो आंसर बताओगे उसी टर्म में बताओगे ना, जो गिवन है उसी फॉर्म में बताओगे ना, डी वन डी टू तो गिवन नहीं है ना, डी वन डी टू तो हमने निकाला है ना वी वन वी टू और टी वन टी टू के टर्म में, बोलो। ठीक सर है, हाँ जी वैसे बोलो। ना एक हाँ फॉर्मूला भी भाई तो होता है ना स्पीड का, टू वी वन वी इसका टू एवरेज स्पीड का, नहीं नहीं बेटा वो अलग आएगा आएगा वो, ठीक है। मतलब कंफर्मेशन चाहिए थी, यही फॉर्मूला है ना, टू वी वन वी हाँ टू हाँ अपॉन वी हाँ वन हाँ वी हाँ टू। हाँ ठीक है, अच्छा ओके सर, चलो वैसा भी मैं देता हूँ अभी, कि मान लो ये चला डी बाई टू डिस्टेंस वी वन से चला, ठीक है, और डी बाई टू डिस्टेंस वी टू से चला, ठीक है, एस ओके सर, एस ए सी वी वन से, ठीक है, डी बाई टू वी वन से चला, डी बाई टू वी टू से चला, अब निकालो एवरेज इसमें। ये डी बाई टू मतलब ये डी बाई टू वी वन की वैल्यू है ना, नहीं बेटा डी वाई टू बी वन नहीं, वो डिस्टेंस है डी वाई टू। हाँ जी मुस्कान, हेलो। हेलो सर, जो इसे हाँ पहले वाला जी, क्वेश्चन उसको आप वापस समझा दो, क्योंकि ना मेरा नेट इशू था तो लेट ज्वाइन हुआ, तो फिर मेरे को वो समझ नहीं आया। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना ये कि ये टी वन भी वन डिस्टेंस, सॉरी, ये टी वन टाइम जब ए से सी पे आया ना, तो वो भी वन स्पीड से चला और टाइम लिया टी वन, ठीक है, फिर सी से बी पे गया तो भी टू स्पीड से चला और टाइम लिया टी टू, ठीक है, तो हमें जब देखो ए से सी पे आया तो टाइम टू टी वन लिया और यहाँ से यहाँ टाइम टी टू, यानी टाइम तो हमें पता है लेकिन हमें ए से सी का डिस्टेंस पता नहीं है, क्योंकि हम जब एवरेज निकालेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए है ना, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस लगा लगा डी वन वो होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है वी वन और टाइम है टी वन, ठीक है, उसी तरह से यहां सी से बी पे जाने में मान लो डी टू डिस्टेंस चला, तो स्पीड है यहाँ वी टू और टाइम लिया टी टू, तो डिस्टेंस हो जाएगा वी टू इंटू टी टू, ठीक है, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा डी वन प्लस डी टू, और डी वन प्लस डी टू का वैल्यू हो जाएगा वी वन टी वन प्लस वी टू इंटू टी टू, और टोटल टाइम लगेगा टी वन प्लस टी टू, ठीक है, तो एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगा वी वन टी वन प्लस टी टू बाई टी वन प्लस टी टू, टोटल डिस्टेंस जो कि ये है और टोटल टाइम ये है, ठीक है, बोलो। यस सर, अजी मुस्कान, ओके, हाँ यस सर, बेटा, अब ओके, इसमें बताओ, कोई बताओगे?
सर टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा ना डी वन अपॉन टू प्लस डी वन बाई टू, कितना बोल रहे हो स्लाइड वापस, टोटल डिस्टेंस सर टोटल डिस्टेंस डी वन बाई टू प्लस डी टू बाई टू, टोटल डिस्टेंस डी वन बाई टू प्लस डी बाई टू, हाँ ये टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी डी बाई टू प्लस डी बाई टू, हम लिख सकते हैं ये सर, और टाइम को हम लिख सकते हैं डी बाई टू अपॉन वी वन, टी वन की वैल्यू हो जाएगी तो टी टू की भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे डी बाई टू अपॉन वी टू, तो हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी डी अपॉन में डी बाई टू वी वन प्लस डी बाई टू वी टू। हाँ जी तो यहाँ से देखो डी से डी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बोलो है ना, तो ये आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे ना टू वन बी वन वी टू बाई बी वन प्लस बी टू, ठीक है बोलो। यस सर, यस सर, इसी को सॉल्व करोगे ना, तो देखो अब तब आ गया ना, अब तब यस सर आ गया ना, वो यस सर वो कंडीशन आ गई ना, यस सर, ठीक है यार माइक तक सर बस ज्यादा हो गया होगा। हाँ जी बोलो, कुछ नहीं सर, हेलो लाइट कट गई है थोड़ा, ठीक है सर आप इनविजिबल हो गए इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ वो लाइट कट गई, अंधेरा हो गया ना थोड़ा, ठीक है यस सर आगे बढ़े, यस सर तो यस सर यस, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बोलो। हेलो यस सर, एक और एग्जांपल दो। यस सर यस सर, तो इसमें लो कि ये डी बाई थ्री डी बाई थ्री और डी बाई थ्री, ये टी वन ये सॉरी ये बी वन से गया बी वन इससे बी टू और ये बी थ्री, ठीक है फाइंड एवरेज स्पीड, जी बोलो सर इसमें भी टोटल डिस्टेंस डी आएगा ना। हाँ 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 तो इसमें भी अलग अलग पुराने क्वेश्चन की तरह टाइम निकाल लेंगे। हाँ जी हाँ जी, टी टू जो आ जाएगी डी बाई थ्री बी टू, टी थ्री जो आ जाएगी डी बाई थ्री बी थ्री, हाँ जी बोलो क्या डी वाई थ्री डी वाई थ्री डी वाई थ्री, हाँ लिया सर आपने डी वाई थ्री ये डिनोट कराया ना कि मतलब ये सेम है सेम टर्म है। हाँ नहीं डी वाई थ्री इसलिए किया ना कि डी वाई थ्री करने से क्या हो गया ना कि टोटल डिस्टेंस डी ही हो गया, डी वाई थ्री डी वाई थ्री डी वाई थ्री डी हो गया, ठीक है डी हो जाएगा। हाँ क्लियर है, यस सर यस सर, तो कैलकुलेट करो, तो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है तो टोटल टाइम तो हो गया टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी डी वाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ठीक है और इसका वैल्यू पुट कर देना, ठीक है समझ गया। yes, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी पे, ठीक है yes, sir, अगर हम वेलोसिटी वेलोसिटी की बात करें, ठीक है तो वेलोसिटी क्या होता है किसी को मालूम है, मालूम तो होगा ही आप लोगों को सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन विड्थ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक
ठीक है ना। यस तो सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ लिखिए सर। चेंज, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख दो, ठीक है। रेट हम इस सब में टाइम के रिस्पेक्ट में ही मतलब यही लेंगे, होता है ठीक कि है। टाइम से रिलेट है, टाइम अपॉन में, रेट का मतलब यही होता है। हाँ टाइम के साथ, टाइम के, हाँ टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। कि मान लो कि पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो कि अभी 10 है, ठीक है, अभी मान लो कि 10 है, ठीक है, अभी मान लो कि पार्टिकल 10 मीटर पे है, अगले 1 सेकंड बाद, मान लो कि अगले 1 सेकंड बाद 12 मीटर पे चला गया, ठीक है। तो कितने का चेंज हुआ 1 सेकंड में, 2 मीटर का ना, बोलो 2 मीटर का चेंज हुआ पर यस सर, सेकंड, तो यही 2 मीटर पर चेंज आ गया, यस ठीक है। यही हो गया रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो होता है वेलोसिटी, इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट सेम वही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा तो मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। फिर डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन भी सेम, M0 LT-1 एल टी माइनस वन, ठीक है। हाँ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर यस सर, यस सर। तो अगर ये वेक्टर है, लैग हो रही है क्या आवाज, ये बताना आप लोग। नो सर, सर ऑडिबल है सर। नो सर, ठीक है। हाँ तो आप ये बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। यस सर, डिस्प्लेसमेंट होगा। डायरेक्शन और वेलोसिटी अगर बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, अवे फ्रॉम इनिशियल पोजिशन या टूवर्ड फाइनल पोजिशन, है ना। यस सर, यस सर। तो अब इस स्पीड में सबसे पहले आएगा एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इस वेलोसिटी में सबसे पहले आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज हम उसको लिखेंगे, वी एवरेज जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टाइम, ठीक है। एक्स फाइनल है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई टाइम, है ना। पॉइंट डी में बोलो, यस सर, क्लियर करो आप लोग, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ जी बोलो, क्लियर है ना। यस सर। तो ये जो है ना एवरेज वेलोसिटी, ये वेक्टर होगा। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, समझ गए। समझ गए, ये
सर दोबारा समझा दो सर, जी आप नेटवर्क लोग, इशू है थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की तरह, हाँ, सेम है डिस्प्लेसमेंट। ये है देखो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही है ना, तो जो जो डिस सर वॉइस नहीं आ रही और इंग्लिश नहीं। हाँ जी, ये हाँ सर जी, बीच वो में थोड़ा स्क्रीन भी सा चली तो गई थी। वो लाइट का क्या था ना, जैसे लाइट का क्या था थोड़ा देर के लिए। हाँ तो हाँ जी, रवीना बोलो। सर हमने इसमें ये डिस्टेंस फाइनल से इनिशियल भी माइनस किया है। क्या चीज बोल रहे हो आप, सर एवरेज फिर से वेलोसिटी बोलो। में जब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट, सर जो एवरेज वेलोसिटी थी इसमें हमें जब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना था तो हमने सबट्रैक्शन क्यों किया है डिस्प्लेसमेंट में? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट में बताया था कल पिछले क्लास में, डिस्प्लेस हुआ था तो मैं बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी करवाया था। ये ठीक है देखो, सर, है ना, ठीक है, देखो क्लियर है क्या। यस सर, तो एक एग्जांपल ले ले, सर आपकी वॉइस मान लो लैग आपका लग ये रही है। एक्स एक्स यस सर, स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। हाँ हेलो, यस सर, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, मान लो यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस थ्री था, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये इधर गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ये कहीं यहाँ तक आया,
एक्स इक्वल तक आया और फिर ये एक्स इक्वल टू टू पे, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसमें बताना है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? हाँ जी बोलो क्या। हेलो जी, किसी ने हैंड जेस्चर किया है क्या? किसी को कुछ बोलना है क्या? जी क्वेश्चन no, समझ आया सभी को? पूर्वा हिमांशी यस सर। क्यों क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ओके सॉल्व करो। आया किसी का आंसर? यस सर। आया आंसर? सर आ तो गया। मैंने सर 2v1 v2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाला है एवरेज स्पीड। नहीं नहीं बेटा, इसमें v1 v2, इसमें एवरेज स्पीड का तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दो ना, इसमें तो इस v2 कुछ दिया हुआ नहीं ना है, ठीक है? तुम तो पहले निकालो सर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। हाँ एक मिनट, और यहाँ से देखो टोटल टाइम ए से बी पे ना आने का जो टाइम लिया ना, वो टाइम ले लेना 5 सेकेंड, ठीक है? ए टू बी, ए से बी पे आने का टाइम 5 सेकेंड लिया, ठीक है? यानी यहाँ से शुरू हुआ था, मान लो ये सी पे गया, ठीक है, और फिर बी पे आ गया, ठीक है? ए से पहले सी पे गया, फिर बी पे आ गया, और इस पूरे इंटरवल में जो टाइम लिया वो मान लो 5 सेकेंड लिया, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी बोलो। आपका सर एक बार बता दो सर, बोल रहा ना कि 5 सेकेंड जो टाइम है ना ए से लेकर बी, यानी टोटल जर्नी का टाइम है, ठीक है? पहले यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है? तो पूरे में तो टाइम लिया ना 5 सेकेंड लिया। ओके ठीक है। ओके सर जी। ओके आया किसी का? हिमांशी पुरवा हेलो। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी का आया? सर अभी कर रहे। ओके करो। सर टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम 5 सेकेंड है सर। एक मिनट क्वेश्चन दिखाना सर जी। आलिया, आलिसा, हाँ जी कोई कुछ बोल रहे हो? हाँ जी पुड़वा बोलो।
पुरवा सर आंसर मतलब डिस्प्लेसमेंट में हम माइनस करेंगे ना, मतलब जैसे -3 है और प्लस का 2 और 5 है, तो प्लस वाले को माइनस करेंगे या टोटल हम सम कर देंगे डायरेक्टली? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, क्लियर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। पूर्वा बताओ कुछ। डिस्प्लेसमेंट तो 5 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 5 आ रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। 3 + 2 = 5। हाँ ठीक है, और टाइम भी 5 सेकेंड्स है, तो एवरेज वेलोसिटी तो 1 हो जाएगी। हाँ। और यस सर, ये डिस्टेंस सब कितना आया? डिस्टेंस भी 5 हो जाएगा ना, बिकॉज ओके। 3 तो वो -3 से 0 वाला, और फिर नहीं नहीं वो बेटा, 0 से नहीं 5 नहीं गया। पूर्वा पूर्वा नहीं, डिस्टेंस में टोटल लेंथ ही होता है, ठीक है? वो प्लस माइनस नहीं काउंट होता है उसमें। टोटल लेंथ जो होगा ना उस लाइन का, वो होगा। अजय टू लव पॉइंट कुछ सिक्स कुछ होगा ना। लव कुछ कुछ बोल रहे थे आप। हाँ पूर्वा बोलो। तो फिर सर वो जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे आ जाएगा ना कि वो पहले -3 से 0 गया, तो वहां पे 3 यूनिट्स, फिर 0 से हाँ वो 5 गया, तो 5 यूनिट्स मतलब तो 8, 5 यूनिट। और फिर 5 से 2 हाँ मतलब 3 यूनिट्स, तो हाँ टोटल हम कर देंगे 8 + 3। हाँ जी हाँ जी, यही होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा ना इस तो पूरे का एवरेज लेंथ स्पीड आ होगा। जाएगी 11/5। तो सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस निकाल लें। अरे तो डिस्टेंस डिस्टेंस जो हो यार जाएगी सर, वो देखो, ए से पहले 0 पे आया तो -3 से 0 पे, यानी 3 चला, ठीक है? फिर 0 से लेकर 5 पे गया तो 5 चला, और फिर 5 से 2 पे आया, यानी इस बीच 3 चला होगा ना। बोलो। और डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन है 2 और माइनस इनिशियल पोजीशन है -3, तो आ जाएगी 2 + 3 यानी 5 मीटर। ठीक है, हेलो। यस सर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो आ जाएगी, एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है? डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस है 11/5 मीटर/सेकेंड, इसको सॉल्व कर लेना। उसी तरह एवरेज वो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5/5 यानी 1 मीटर/सेकेंड। क्लियर है सभी को ये? हेलो। यस सर, जी बताओ पूरा। कुमार यस सर, सिंह क्लियर। आलिया जी, अलीसा आलिया, आप लोग कहाँ हो आज? कुछ बोल नहीं रहे हो। यस सर, हर्षित ठीक है, रणवी रणवी ठीक है, अब तब क्लियर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। सर 1 मिनट स्लाइड दिखाना सर। जी देखो, प्लस के है ना सर, आपने डिस्प्लेसमेंट में तब भी ना 3 + 2 = 5 ना। नहीं ये तो प्लस प्लस क्यों हुआ? देखो ना, 2 देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल सर पोजीशन यही 2 है पूछा और आपसे। इनिशियल -3 है, तो 2 - हाँ सर, हाँ ठीक है, तो 5 हो गया। ओके ओके यही तो पूछ रहा था सर, फाइनल प्लस इनिशियल है ना। ओके बेटा, ओके बेटा ठीक है, ओके सर, बोलो। चलो मान लो एक पार्टिकल ए से बी पे आया इस तरह से, ठीक है? ये सर्कुलर आर्क जिसका कि रेडियस मान लो 5 मीटर है, इसको ए से बी पे आने में टाइम लगा 2 सेकेंड, ठीक है? ए से बी पे आने में 2 सेकेंड टाइम लगा,
तो इसमें बताना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। रहे हो सॉल्व? यस सर। ओके करो आप लोग। सर आगे आंसर क्या आया? सर पहले वाले का तो 22/35 आया, क्योंकि सेमी सर्कल है तो पाई आर ले लेंगे और टाइम हमें दे ही रखा है 25। हाँ जी, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम। यस सर 22/35 सॉरी। तो ये आ जाएगा 22 × 5, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर 2/5, क्योंकि डायमीटर हमारा 10 हो जाएगा और टोटल टाइम हमारा 25 है, तो काट के हमारा 2/5 आ जाएगा सर। 2/5 2/5 सॉरी 5 नहीं, टाइम 2 सेकंड है यार सर। 25 सॉरी 25 मतलब 10/25 आएगा, काट के हम 2/5 लाएंगे। नहीं देखो 2r बाई, देखो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम 2 सेकेंड ही है, तो 2r/2, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यस सर। सर वो थोड़ी कंफ्यूजन थी, वो ना आपका वो जो एस है ना मुझे 5 लग रहा था। एस कौन सा एस? ये जो t=2 ऐसा ना वो 5 लग रहा था मुझे गलती से। नहीं 2 सेकंड है, ठीक है 2 सेकंड और ऐसे भी, ठीक है। ओके सर, अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। ठीक है यस सर। तो बताओ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, कोई बता है? देखो हम लोग सर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यस सर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी व्हीकल या फिर किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और अगर सर हम कभी कंटीन्यूअस पाथ पे जाएं और वेलोसिटी हमारी सेम है और अचानक से ऐसी कंडीशन आए शॉर्ट टाइम के लिए वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम, तो हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं होती इसमें। देखो एवरेज जब हम निकालते हैं ना, तो एवरेज में क्या होता है, एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन के बीच में का हम लोग वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं, कि यहाँ से यहाँ आने में अगर हम ले तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम करते हैं जब एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है ना, कि इंस्टेंटेनियस में एक पार्टिकुलर, जैसे कि मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, जैसे कि मान लो कि मैं पीछे आ जाता हूँ कि कोई ए से लेकर बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी ये जा रहा है और इसका स्पीड मान लो चेंज हो रहा है, ठीक है, कभी कुछ है कभी कुछ है, मान लो एवरेज इसका यहाँ से यहाँ तक एवरेज जो बना था वो आ चुका है, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक एवरेज आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि इसको मान लो कि हम ये मान लो 1000 किलोमीटर चला, ठीक है, और स्पीड कितना लिया, मान लो स्पीड था इसका 20 पे आ जाएगा 1050, हाँ 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो एवरेज स्पीड क्या, सॉरी अगर हम टाइम ले लेते हैं ना, टाइम ले लिया ये मान लो किलोमीटर है ना, सौ किलोमीटर और टाइम लिया ये 2 आवर, ठीक है, बोलो ये क्लियर है? तो इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 100 चला बाई टोटल टाइम,
टू लिया तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? बोलो। हेलो। यस सर। यस सर। तो ये 50, ये जो 50 आया वो एवरेज आया ए से बी पे, लेकिन जब ये 100 किलोमीटर आया तो ये हमने क्या किया, यहाँ से टोटल डिस्टेंस ले लिया 100 किलोमीटर और टोटल टाइम ले लिया, तो इस बीच में ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा 50 से ही चला, कभी वो इसका स्पीड बढ़ा होगा, कभी कम रहा होगा, कभी ज्यादा रहा होगा, ठीक है? जो ये आया 50 वो एवरेज आया ए से बी, जो 100 किलोमीटर ये चला उसके बीच का एवरेज आया। तो अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि इस पार्टिकुलर, मान लो कि किसी भी पी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, इस पार्टिकुलर पी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहा होगा, ठीक है? तो इस पी पॉइंट पे तुम वेलोसिटी बताओगे ना, तो वो होगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ही बताना है, ठीक है? तो वो क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी एक पार्टिकुलर पोजीशन, किसी एक पोजीशन पे अगर पूछे तो वो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस वैसा अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें स्पीड का या वेलोसिटी का, तो हम इंस्टेंटेनियस किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? इंस्टेंटेनियस हम लोग नहीं निकाल पाते, हम लोग निकालते एवरेज ही है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कर देते हैं ना कि हम जो दो पॉइंट लेंगे ना जिसके बीच एवरेज निकाल लेंगे, उस दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस बहुत कम कर देंगे। जैसे कि हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लो हमसे पी पे पूछा है, अगर हम हमसे पी पे पूछा है तो हम क्या करेंगे, पी से जस्ट पहले थोड़ा सा पहले का एक पॉइंट ले लेंगे और पी के जस्ट थोड़ा सा बाद का एक पॉइंट ले लेंगे, और इस छोटे से डिस्टेंस, इस छोटे से डिस्टेंस को हम डीएक्स बोल सकते हैं। इस डीएक्स में हम लोग मान लो इस डीएक्स को चलने में इसको डीटी टाइम लिया, तो इसके बीच जो एवरेज निकालेंगे, स्मॉल एवरेज निकालेंगे, ठीक है? स्मॉल एवरेज, तो वो स्मॉल एवरेज जो आएगा वो आएगा डीएक्स बाई डीटी, ठीक है? बोलो। डीएक्स बाई ओके डीटी क्यों सर। आया, ओके टोटल सर। डिस्टेंस डीएक्स चला और ठीक है? तो ये दो देखो, ये स्मॉल डिस्टेंस है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच जो एवरेज होगा वही इस पार्टिकुलर पी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, है ना? हेलो। यस सर। तो ये आ गया भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है? बोलो। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो एवरेज निकाले या इंस्टेंटेनियस, उस दोनों में हम एवरेज ही निकालते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरवल होता है, या हम बात करें टाइम इंटरवल का या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके इंटरवल का, तो वो दोनों क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इसीलिए हम उसको डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक यस। यस सर। है, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स था अपना पोजीशन, ठीक है? ये पोजीशन था और ये डी टी टाइम है, ठीक है? टी टाइम है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो कि अपना पोजीशन था, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। हाँ जी बोलो। सर इसे स्मॉल यस डिस्टेंस भी तो सर। कहेंगे ना वैसे। हाँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, डीएक्स को, ठीक है? यस और इसी सर। को डीएक्स बाई डी टी क्या है, डीएक्स बाई डी टी क्या है अपना, डीएक्स बाई डी टी क्या है, डिस्प्ले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है? सर। तो यस कभी भी सर। तुम्हें अगर, हाँ, ये एक्स क्या है, एक्स जो है, एक्स है पोजीशन, एक्स जो है पोजीशन, पोजीशन, ठीक है? एक्स जो है पोजीशन, तो कभी भी तुम्हें ना पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, कभी भी तुम्हें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तो तुम उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे कैसे, तुम उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे और जिस भी टाइम पे पूछेगा वो टाइम तुम पुट कर दोगे वहां पे, तो वो वेलोसिटी आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। अगर मेरे पास मान लो कोई बोले कि किसी पार्टिकल का पोजीशन इस तरह से चेंज हो रहा है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है? टी स्क्वायर प्लस टू टी, तो
तो तुम इसका वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड। तो देखो टी इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पे पूछा ना कि घड़ी में जब 2 सेकेंड हुआ तो उस टाइम का वेलोसिटी क्या होगा, बोलो हेलो। यस सर। मैं दोबारा रिपीट कीजिए सर। तो देखो इसमें ये है ना कि ये हमें फंक्शन दे दिया एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, लैग कर रही है क्या आवाज? यस सर। यस सर, बीच बीच ज्यादा में कर रही हो है रहा क्या है। लैग तुम्हारे? ब्लैक बोर्ड पे जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी बाद में लिख दिया सर। सर आप जब बोल चुके होते हो तब आवाज वो पहले, लिखा हुआ आता है, मुश्किल हो जाता है वॉइस समझना। पहले, पहले आती है और ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ बाद में आता है सर। यस ओके सर। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t है, ठीक है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। हमसे पूछा है वेलोसिटी बताना एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, क्लियर है? यस सर। यस तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इसको वेलोसिटी को हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी, क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी को हम डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगा इसको कुछ और नहीं, डी एक्स बाई डी टी कुछ और नहीं है, डी एक्स के जगह टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन डी टी, ठीक है, डी टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन डी टी, यानी कुछ और नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर का 2t और 2t का 2, ठीक है। तो वेलोसिटी अपना आ गया 2t प्लस 2। तो हमसे वेलोसिटी बोला है वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 2 सेकेंड पुट कर देना है, तो भी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 2 + 2 यानी 4 + 2 6 मीटर सिक्स। पर सेकेंड। हाँ जी ठीक है। यस सर। यस सर। ओके यस सर। अगर इसी को, हाँ जी, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, ठीक है, इसी में पूछता है एग्जाम्पल सेम, अगर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t है, ठीक है, तो एक तो वो पूछ लिया जो पूछना था, टी इक्वल टू किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इन 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 टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे कोई बताओगे? अगर सेम क्वेश्चन रहता लेकिन इसमें सिर्फ पूछा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? सर मे बी लाइक टी की वैल्यू को पहले 4 पुट करें और 2 पुट करके फिर हाँ उनकी हाँ डिफरेंस निकाल सकते तो हैं। देखो, हाँ, देखो एक मिनट, तुम देखो टाइम इंटरवल तो तुम्हें पता है ना इसमें? हाँ जी बोलो। ठीक है, टाइम इंटरवल तो पता है ना, टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी होगा, ठीक यस सर। है, डेल्टा टी होगा वो क्या होगा, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड तक चला ना, है ना। यस सर। यस सर। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तुम्हें टाइम पता चल गया, ठीक है, अब हमें सिर्फ चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम देखो जब टी इक्वल टू 4 सेकेंड इसमें पुट करोगे तो तुम्हें एक्स फाइनल आ जाएगा, ठीक है, और टी इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो 2 सेकेंड पुट करोगे तो तुम्हारे पास एक्स इनिशियल आ जाएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो इसमें पुट करोगे टी इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स फाइनल, और ये टी इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एक्स इनिशियल, ठीक
और तुम डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ से निकाल सकते हो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करके, और टाइम इंटरवल तुम्हें 2 सेकेंड बताई है, तो एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टाइम जो है 2 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट यस सर। करो। सर डन। आ गया, कितना आया बेटा एक्स फाइनल, कितना आया? एक्स फाइनल आया है 10 सेकेंड। 1 मिनट में 10 सेकेंड या मीटर, ठीक हाँ 10 मीटर सॉरी। है। अगर हम एक्स फाइनल करें तो एक्स फाइनल के लिए टाइम 4 पुट करना है, के स्क्वायर, नहीं 10 आया यार, सिक्सटीन प्लस 8 24 आएगी ना, बोलो आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके पुट कर दिया क्या? हेलो, यस सर। एक सर मिनट, देखो एक्स एक्स फाइनल इनिशियल क्या की, आएगा, ये सर एक्स इनिशियल की वैल्यू 8 है, ट्वेंटी और एक्स फाइनल। फोर मीटर्स हाँ जी यस हिमांशी, आपने क्या किया है, आपने डिफ्रेंशिएट करके पुट कर दिया गया? यस सर। नहीं बेटा, देखो डिफ्रेंशिएट कब करना है, जब इंस्टेंटेनियस आएगा तब, ठीक है, एवरेज में हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ये देखो ये क्या है ना, पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का, ठीक है, जैसे कि मान लो एक्स कैसे चेंज हो रहा है ये दिया हुआ है। अगर तुम अलग अलग वैल्यू रखोगे ना, अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, इससे पता चला है कि पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है। तुम 1 पुट करोगे एक्स 1, यानी टी का वैल्यू 1 पुट करोगे तो टी के वैल्यू 1 कहीं यहाँ पे आएगा, टी वैल्यू 1 यानी पार्टिकल 1 प्लस 2 यानी 3 पे आ जाएगा, 3 मीटर पे, ठीक है। उसी तरह ये पोजिशन दिया हुआ है पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में, हर एक टाइम पे कहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से मतलब है, ठीक है। तो हमें टाइम, फाइनल टाइम 4 सेकेंड था, तो इसमें डायरेक्ट 4 पुट कर दोगे ना, इस इक्वेशन में डायरेक्ट 4 पुट कर दोगे तो तुम्हें फाइनल पोजीशन आ जाएगा, और इनिशियल टाइम यस पुट कर सर। दोगे जो कि 2 दिया हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगा जो कि 1। अब सर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, हाँ बेटा बोलो, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर जो आ पर जाएगी वो, सेकंड आ रहा है। सर 8 मीटर पर हाँ सेकंड आ गया सर आंसर। आंसर 1 आ गया ना, तो 24 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 16 थ्री बाई डिवाइड बाय टू 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ठीक है। यस सर। तो डिफ्रेंशिएट कब करना है, जब इंस्टेंटेनियस पूछे तब, क्लियर है मन से? ओके सर। यस सर। ओके चलो, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? हेलो, यस सर। ये सर समझ आ गया। यस कैसे करोगे पता है?
तो सबसे पहले तो तुम वो टाइम निकालो जहाँ वेलोसिटी 0 हो रहा, तो उसके लिए तुम्हें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, और जो भी आएगा उसमें उसका वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, और उस टाइम को तुम एक्स के फंक्शन में पुट करोगे ना तो वो पोजीशन आ जाएगी। आया किसी का? सर -4, हाँ जी, -4 में गियर, ठीक है। हेलो, यस यस सर, यस ओके, सर, -4 आएगा ना, सही यस सर, यस सर, कहा यही है। गया? ओके, तो ये ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन को आज डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद टाइम कितना होगा। चलो एक्सलरेशन, एक्सलरेशन जो होता है ना, क्या होता है कोई बताओगे? हाँ जी, रेट सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऑफ चेंज ऑफ रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, ठीक टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टाइम। टू टाइम, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो वेलोसिटी बाई टाइम हो जाएगी ना, ठीक है। यस वेलोसिटी सर, बाई टाइम यानी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड बाई टाइम का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, ठीक यस सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। yes, है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगी? M0 LT -2 एम LT जीरो एल T वन माइनस टी T माइनस माइनस टू ठीक है, एलटी माइनस डायमेंशन ये हो जाएगी। एक्सलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन नहीं, एक्सलरेशन का डायरेक्शन जो होता है ना वो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे देखो दो वेलोसिटी आएगा ना तुम्हारे पास, जब चेंज निकालोगे वेलोसिटी का, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहाँ पे किस वेलोसिटी का डायरेक्शन में लोगे? फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में लोगे या इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में लोगे? ठीक सर, दोनों के डिफरेंस की जो डायरेक्शन आएगी। है ना, हाँ, तो डायरेक्शन जो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी 2 बाई चेंज इन वेलोसिटी यस वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है ये? बोलो आप लोग, कुछ बोलना ही सर, था, ठीक यस सर, है। तो ये तो वेक्टर है, ठीक है। अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ओके इसमें सर, अगर हम बात करें, एक तो आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन में वही करना है, ठीक है। ए एवरेज की अगर बात करें तो ये हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, समझ गए? टोटल यस टाइम सर, टेकन। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस में स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी सेम उसी तरह रह जाएगा ए इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सिर्फ
वो हो जाएगी डीटी स्मॉल चेंज डी वी बाई डी टी, ये आ बाय जाएगी, ये आ जाएगी डेल्टा वी बाई डेल्टा की, ठीक है, लार्ज चेंज, और ये जो आ जाएगी स्मॉल चेंज, ठीक है, ए, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये आ जाएगी ए वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा की, ये सिर्फ डायरेक्शन जो वेक्टर लगा हुआ ना, तो ए का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे ए का डायरेक्शन वही होगा जो डी वी का डायरेक्शन होगा, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ये था, यस सर। यस सर। ओके बेटा, इसमें चलो अब एग्जांपल पे आए, तो अगर मान लो मेरे पास भी दिया हुआ है ई स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है, सेम वही उसी तरह का ले लेते हैं, तो फाइंड फाइंड पहला वेलोसिटी एट, सॉरी चलो ये भी लिख लो, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरा एसेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, तीसरा एवरेज एसेलरेशन इन इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो देखो हमसे पूछा है, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। चलो ट्राई करो, आप लोग एक बार ट्राई करो। एक बार रिपीट कीजिएगा। देखो जो वेलोसिटी दिया हुआ था ना टी स्क्वायर प्लस 4t, यहाँ पे वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो हमसे पूछा है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ क्या होगा, वेलोसिटी है टी इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सलरेशन है टी इक्वल टू 2 सेकंड, एवरेज एक्सलरेशन इन इंटरवल टी इक्वल टू 2 सेकंड टू टी इक्वल टू 4 सेकंड। हाँ जी, रेंजेज कौन कौन की है बताओ। सर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना वेलोसिटी में? हाँ वेलोसिटी दे, हाँ आ गया आंसर सिक्स तो मीटर वेलोसिटी, सर और एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरे वाले का हम डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, और उसका भी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। नहीं बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, पहले तो देखो वो आएगी ना 8 प्लस 4 मतलब 12। नहीं बेटा सर देखो बड़ा 12 मीटर पर सेकंड है। देखो यहाँ यस पे एक मिनट ध्यान दो कि हमें वेलोसिटी का फंक्शन ही दे दिया है, और वेलोसिटी पूछा है 2 सेकंड, तो डायरेक्ट क्यों ना हम इसमें 2 सेकंड पुट कर दे तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो यस सर। क्यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगी 4 प्लस 8 यानी 12 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन पूछा है 2 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन के लिए तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, ओ सर ठीक है। सर तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2t प्लस 4 ना। अब यस सर। 2 सेकंड कोई पूछा है तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन एक 2 सेकंड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यस उसी तरह अब देखो एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए हमें पहले वी फाइनल चाहिए। देखो एवरेज में तुम ऐसे भी लिख सकते हो डी वी बाई डी टी, या चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टोटल टाइम, ठीक है, यस सर। ठीक है, एवरेज जो होगी वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टोटल टाइम। तो हमें यहाँ पे वी फाइनल निकालना पड़ेगा, वी फाइनल यानी 4 सेकेंड पे, और वी इनिशियल निकालना पड़ेगा 2 सेकेंड पे, तो दोनों का तुम वैल्यू पुट करो इसमें, 4 सेकेंड पुट करोगे तो वी फाइनल आ जाएगा 2 सेकेंड, जैसे हमने यहाँ किया था इसमें शायद पीछे, ठीक है ना। यस सर। यस चलो तो कैलकुलेट करके बताओ, तो कैलकुलेट सर 2 आ रहा है क्या? हुआ, देख लेता हूँ मैं। बी फाइनल क्या है अपना, आपका बेटा बताना। हाँ जी बी फाइनल क्या आया, 12। पहले इनिशियल निकाल लेते हैं,
वी इनिशियल कितना आया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 प्लस 8 12 ना। यस वी फाइनल क्या आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस कितना आया 16 प्लस 16 32 मीटर पर सेकेंड ना। 32 सर। तो ए एवरेज जो आ जाएगी वो वी फाइनल यानी 32 माइनस 12 बाय टोटल टाइम कितना लेगा, 2 से 4 यानी 2 सेकेंड ना, तो कितना आ जाएगी, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो एक मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको होमवर्क में करके आना कि जो एक्स दिया हुआ है या अभी टाइम है ना, एक कर लो होमवर्क में, जीपीपी कर लेना ठीक है। एक्स जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है मान लो टी स्क्वायर माइनस, ऐसा ले लेते हैं, 6t³ माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 4 ठीक है। चलो फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो देखो सॉल्व करोगे? यस सर। ठीक है, तो देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी ठीक है। यस सर। ओके करो। रीसेट करना चाहते हैं लेकिन आपको रीसेट करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लाइक पर जरूर। हाँ जी क्या हुआ? सर 4 4 माइनस 2 2 आया। यस सर 2 आएगा ना। यस सर 2 आएगा। ठीक है। हाँ जी सभी कहा गया? यस सर 2 मीटर पर। सर स्क्वायर तो लगाइए सर। स्क्वायर कहाँ पे बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। ओके वंशी आया सर। 10 सेकंड हमें गिवन था क्या? टाइम 10 सेकंड नहीं, टाइम तो मैंने निकाला ना 1/9। देखो फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, और दूसरा बार फिर डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी को किया तो फिर एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन कब पूछा है? जब वेलोसिटी 0 हुआ होगा उस टाइम। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 हुआ, तो वेलोसिटी का ये फंक्शन था ना अपने पास, तो इसको 0 पुट करेंगे यानी 18 सर माइनस 2 के 0, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा 1/9 सेकंड ठीक है। ओके सर। ओके।
और इसी सेशन में इस टाइम को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है ना, इस फंक्शन से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे पोजीशन पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन जीरो पूछ देता तो इसको जीरो कर देते ना, ए बराबर जीरो अगर आता तो 36 टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी टाइम आ जीरो हो जाता टू जाएगा। बाई 36 यानी 1/18 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यस इस सर। इक्वेशन से ना कुछ भी बतला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके सर। जा ओके ओके, सर। तो ठीक है, तो ओके सर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि आप लोग 9th 10th में भी पढ़ोगे, एस इक्वल टू यू के प्लस हाफ ए के स्क्वायर बी इक्वल टू यू प्लस ए यस टी, ठीक है। सर। ओके, यस सर। डेरिवेशन भी हो चुकी है और क्या। हाँ, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, भाई स्कूल वगैरह में हो चुके होंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो ठीक है, तो थोड़ा सा उससे पहले भी थोड़ा सा है कि हम लोग देखो, अभी हम लोग क्या पोजीशन से वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी से एक्सलरेशन निकाल रहे हैं, तो इसका क्या उल्टा हो सकता है कि वेलोसिटी से पोजीशन निकाल ले या एक्सलरेशन से वेलोसिटी, तो वो लोग वो सब भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। ओके सर। ओके, ठीक ओके है, सर। तो हैव ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, अ नाइस डे सर। अ नाइस डे सर। गुड गुड नाइट। नाइट डे, बाय बाय सर। बाय।